हेलो स्टूडेंट, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू है। एमसीक्यू 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लियर है? क्या क्वेश्चन में गिवन है? लेट एस बी द सेट ऑफ आल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एन बाय रूट टू प्लस का रूट टू बाय एन सच दैट एन बिलोंग कहाँ से करा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करा है। लेट क्यू प्लस बी द सेट ऑफ आल पॉजिटिव रेशनल नंबर, देन कहाँ पे ऑप्शन आपको 4 गिवन है, चूंकि एमसीक्यू है। एमसीक्यू में अगर आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका ये ऑप्शन नंबर करेक्ट है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब उस ऑप्शन को क्लिक करना है, मतलब सॉल्व करना है, टिक लगाना और अगले क्वेश्चन की ओर राइट कर जाना। अगर नहीं आ रहा है तो आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दें, क्लियर? तो ऑप्शन क्या गिवन है? क्यू प्लस कंटेनिंग एस, बी ऑप्शन गिवन है एस कंटेनिंग क्यू प्लस, सी ऑप्शन गिवन है यस कंटेन यस इंटरसेक्शन क्यू माइनस सॉरी यस इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू प्लस डज नॉट इक्वल टू 5, डी ऑप्शन गिवन है यस इंटरसेक्शन क्यू प्लस डज नॉट इक्वल टू 5। तो आपको ये आप क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल से हमको लगता है 1 मिनट का रहा होगा, 30 सेकेंड, इसको आता है 30 सेकेंड का था, पर पेपर में सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर ये तो बिल्कुल सा सिंपल था। आपको क्या करना है, जैसे आपको पेपर मिले तो आपको पर एनालाइज करना है पूरे क्वेश्चन को, 60 क्वेश्चन को देखना है, फिर उसके बाद उसको जो जो आ रहा है पहले आप उस पर वर्क करें, जो नहीं आ रहा अगर आपका वो ओवरऑल हो जाता है तो आपको 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ ही जाएंगे एडिशनल ऑटोमेटिक, पहले आपको जो आ रहा है पहले आप उस पर उसको सॉल्व करें, क्लियर? तो आइए हम इसका सलूशन देखते हैं। तो क्या गिवन है हमें, सेट गिवन है एन बाय रूट टू और रूट टू बाय एन सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मान लीजिए सेट को मैंने एन नाम ले दिया, क्लियर? फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एन इज इक्वल टू क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस का 2 बाय एन रूट 2, और फिर हम क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। नाउ अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 बाय रूट 2, क्लियर? ए 2 रखेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 अपान 2 रूट 2, तो 6 अपान 2 रूट 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 रूट 2 आएगा। ए 3 रखते हैं, ए 3 9 और 2 11 अपान 3 रूट 3, 11 बाय 3 रूट 3 आएगा, क्लियर? A4 चेक करते हैं, A4 रखें, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 18 अपॉन 4 रूट 2, 18 बाय 4 रूट 2। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि जो सिक्वेंसेज हैं, जो सिक्वेंस है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती चली जा रही है, और हमें इन्फिनिटी पे मतलब डायरेक्टली जैसे जैसे हम एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू एन तक जैसे ही पुट करते जा रहे हैं, हमको सीक्वेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस क्या है, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती चली जा रही है तो हमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो लिमिट पॉइंट नहीं, कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हम लिखते हैं इसको नाउ सीक्वेंस इच इंक्रीजिंग, सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग सो सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है, सो लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एन जो है इन्फिनिटी देगा, तो सो
इन्फिनिटी देगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा एस इक्वल टू फाइव, और फाइव सबसेट होता है किसका, क्यू प्लस में कंटेन करता है, तो यस कंटेनिंग क्यू प्लस हो जाएगा। हाँ तो समझते हैं क्या है, हमें सेट गिवन था, सेट क्या गिवन था, एन अपान रोड टू प्लस का रोड टू बाई एन, एन सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्लियर। तो हमने क्या किया, इस ए एन इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लिया एन रोड टू, और हमने एन की वैल्यू पुट की, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को पुट किया, वन टू थ्री डॉट डॉट एन डॉट डॉट एफसेट्रा एफसेट्रा, क्लियर। तो जैसे मैंने वन पुट किया तो हमें थ्री बाई रूट टू मिला, टू पुट किया तो थ्री बाई रूट थ्री मिला, थ्री पुट किया तो इलेवन बाई थ्री रूट टू, फोर पुट किया ए फोर पुट किया तो एट्टीन बाई फोर रूट टू। तो मतलब क्या है, यहाँ से सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती हुई चली जा रही है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा क्योंकि सीक्वेंस बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती जा रही थी इन्फिनिटी मिलेगा, तो यस क्या होगा, यस कोई लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, तो यस इक्वल टू क्या होगा, कोई नहीं आएगा, तो फाई, और फाई किसका सेट सबसेट होता है, फाई कंटेन करता है क्यू प्लस में, फाई का मतलब कुछ नल, फाई कंटेनिंग क्यू प्लस, तो जब फाई क्यू प्लस, फाई क्यू प्लस में कंटेन कर रहा था यस इक्वल टू फाई, तो यस कंटेनिंग क्यू प्लस, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। सी डी और ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ सीक्वेंस हमने यहाँ लिखा है, नाउ सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग सो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो हमने पहले बता दिया, क्लियर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।